अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पशु संबंधी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। नमस्ते किसान बंधु, मैं कैलाश चौबे अपने चैनल पशुपालन सेवा में आपका स्वागत करता हूं। किसान बंधु, एक बीमारी होता है सींग टूट जाता है। गाय भैंस के लड़ने भिड़ने से सींग टूट जाता है। सींग टूटना बहुत खतरनाक होता है। गाय या भैंस का सींग टूट जाए, किसी भी मवेशी का सींग टूट जाए, उस पर आप अनदेखा कर देते हैं तो उससे मवेशी आपकी मर जाती है। इसलिए सींग टूट रहा टूट गया है। सींग में क्या होता है, ऊपर से कवच होता है, भीतर छेदा टाइप का रहता है। दिमाग से लेकर के सींग तक टूट जाने के बाद पूरा छेदा टाइप का हो जाता है। उसमें क्या होता है कि गोबर पानी या मक्खी बैठ गई या किसी तरह उसमें कीड़ा पड़ गया तो आपके मवेशी मर जाता है, कोई भी गाय भैंस मर जाएगी। इसलिए पशुपालन में सींग जब टूटता है उसको आप लापरवाही नहीं करना है, उस पर विशेष ध्यान देना है। हमारे कहने का मतलब है, आपको देहाती दवाई बताता हूँ जो कारगर दवाई है। हमारा अजमावा है दवाई है, बहुत पशुपालक भाई को जाके गांव में देकर दिए हैं, उससे मवेशी सींग ठीक हो गया है। आपको करना क्या है, पशुपालक एक कत्था ले लेना है, जो पान में खाया जाता है कत्था, वो कत्था टाइट का था, टाइट नहीं लेना है, गीला टाइप का कत्था है जो चूना में लगता है, पान खाने में लगता है, कत्था इतना ले लीजिएगा, पूरा सींग में इतना अंदर तक में पूरा टाइट कत्था ले लीजिएगा, पानी में भींगा हुआ कत्था रहता है, कत्था को पूरा भर देना है। भर देने के बाद में उसके 6 इंची या 4 इंची का बैंडेज भी अच्छा तरह से बांध देना है, उसको खोलना नहीं है, एक बार बांध देना है। उसके बाद में ऊपर से बेटाडीन लिक्विड आता है, बेटाडीन का लिक्विड लाल टाइप का शीशी में दवाई रहेगा बेटाडीन का, ऊपर से उसको आपको प्रतिदिन गिराना है। सींग को उसी तरह बंधे छोड़ देना है। हमारा दावा है कि अंदर से वो कत्था क्या करेगा कि घाव को आपको धीरे 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 जो छेदा है उसको भर देगा ऊपर से, और बेटाडीन डालते रहिए। बेटाडीन डालने का मतलब यह है कि बेटाडीन से आपको मक्खी मच्छर या कोई भी कीटनाशक जो भी कीटाणु होता है प्रवेश नहीं करेगा, उससे कीटाणु मर जाएगा। उसको पानी से बचाना है पशुपालक भाई, ये तो दवाई आपको बता दें लेकिन पानी से आप लोग को 21 दिन तक बचाना है। इधर से पूरा शरीर धोइएगा, सींग पर पानी नहीं पड़ना चाहिए 21 दिन तक, ऐसा करिए। हमारा दवा है, सींग का कोई भी बीमारी होगा, घाव होगा, नहीं तो कैंसर हो जाता है। कभी कभी हम देखे हैं सींग से टूट गया, सींग अनदेखा कर दिए, फिटकरी लोग भर देते हैं, फिटकरी कभी भी नहीं भरना चाहिए। उसमें क्या होता है कि उसमें पानी बन जाएगा, पानी बन के फूलगोभी ने मांस बिक देगा, कैंसर हो जाएगा, आपका गाय भैंस मर जाएगी। इसलिए पशुपालक भाई हमारा रिक्वेस्ट है, जो दवाई बताएं वो दवाई दीजिए और सींग का बीमारी ठीक हो जाएगा, घाव ठीक हो जाएगा। अगले बार फिर आऊँगा, पशु संबंधी बीमारी के विषय बताता रहूँगा, आपका सुझाव लेता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।